Hi friends, welcome to Lifestyle of Kitanjali. आज मैं आप लोगों के साथ स्पाइसी रिच एंड डिलीशियस ड्रैगन चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 250 ग्राम फ्रेश चिकन स्ट्रिप्स, ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 एग, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून मैदा ऐड करके अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। तब तक इधर गैस में पैन रख के ऑयल गरम कर लेंगे। चिकन मैरिनेशन के 10 मिनट के बाद सारे चिकन को डीप फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे गैस मीडियम रखेंगे ताकि सारे स्ट्रिप्स अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो। एक साइड होने के बाद दूसरे साइड में पलट लेंगे ताकि दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई हो। अब सारे चिकन स्ट्रिप्स को टिश्यू पेपर में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल सोक कर सके। देखिए सारे चिकन स्ट्रिप्स फ्राई होके रेडी हो गए। अभी सॉस बना लेंगे। सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसी पैन को रीयूज करूँगी। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल रख के बाकी के ऑयल को मैंने एक बाउल में ट्रांसफर करके रख दिए। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिल्लीज, 1 मीडियम साइज अनियन स्लाइसेस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे 1 स्मॉल साइज कैप्सिकम स्लाइसेस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारे फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स ऐड करके सॉस से अच्छे से कोट कर लेंगे। अभी रेडी है हमारे ड्रैगन चिकन। आइए एक बाउल में सर्व करके दिखाते हैं। आप इसको रोटी, नान, लच्छा पराठा, फ्राइड राइस के साथ ट्राई कर सकते हैं।